हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया? मैंने आपको सिखा दिया सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, वो डिफरेंस समझने के बाद हमने टेंसेस कितने तरह के होते हैं और किन किन सिचुएशन में कौन से टेंस यूज होते हैं ये समझा। उसके बाद हमने वर्ब्स की सीरीज स्टार्ट की जिसमें हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीन पार्ट्स में सीखा। आई एम श्योर आपने ये सारे वीडियोस देख लिए हैं और अगर आपने इन वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आज ये पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अगर आप में से कोई पहली बार हमारा वीडियो देख रहा है तो आप ये पुराने वीडियोस देख सकते हैं ताकि आज का ये टेंस आपको आसानी से समझ में आए। अब मैं ये मान के चल रही हूं कि आपके वर्ब्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और टेंसेस शुरू करने से पहले आपको सारी क्रियाओं के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म याद हैं। अब अगर आपने टेंसेस का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने सिंपल के तीन टेंस सीखे थे, समझे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी टेंस को बहुत बार लोग प्रेजेंट इनडेफिनेट या इनडेफिनाइट भी बोलते हैं, पर हम इसको नाम देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब विश्वास मानिए ये टेंस आधे से ज्यादा सेंटेंसेस बोलने के काम आता है, तीनों ही सिंपल। और मैं इन तीनों टेंसेस को अलग अलग वीडियो में आपको सिखाऊंगी। तो पहला जो वीडियो है आज सिंपल प्रेजेंट टेंस को डेडिकेटेड है, तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस कब बोला जाता है और सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब देखिए टेंसेस यानी कि क्रिया, तो एक फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश बोलते समय अगर आप किसी भी क्रिया का जिक्र कर रहे हैं उसमें टेंसेस आएंगे, उसको टेंसेस की मदद से बनाए जाएंगे। अभी जो हम टेंसेस पढ़े हैं वो एक्टिव टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पैसिव में भी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर सारे टेंसेस होते हैं, लेकिन अभी मैं एक्टिव सिखाने वाली हूं आपको। मैंने एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है ये अपनी पुरानी वीडियो में समझा दिया है, अगर आप इसको और क्लियरली समझना चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा मैंने कहा बहुत सारे सेंटेंसेस, अगर आप पूरे दिन इंग्लिश बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 50% सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोले जाते हैं। पहले समझते हैं ये कौन सी सिचुएशन होती है और इसको कहाँ यूज करते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत बच्चों को लगता है प्रेजेंट यानी कि जो चीज अभी हो रही है, लेकिन अभी हो रही है के लिए अंग्रेजों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया है। तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी सिचुएशन आएगी इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली सिचुएशन जो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलने के काम आती है वो होती है रोज की बात। कोई भी जो रोज की बात होती है, जैसे कि मैं पढ़ाती हूं, आई एम सॉरी मेरी हिंदी अगर थोड़ी सी गड़बड़ाए, हो सकता है मात्रा थोड़ी इधर उधर हो, लेकिन मैं आपको बोल बोल के समझाऊंगी तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैं जहां पली बड़ी वहां हिंदी मैंने बहुत ज्यादा नहीं सीखी, तो हो सकता है थोड़ी मात्रा इधर उधर हो। तो बात करते हैं रोज की बात। याद रखिए रोज की बात जो होती है वो डेली लाइफ में आप जो करते हैं। अब मान लीजिए मैं पढ़ाती हूँ, अब ये जरूरी नहीं कि अगर मैं किसी से पार्टी में मिलूं और रात को मैं नहीं पढ़ा रही हूं तो मैं उसको नहीं बोलूंगी कि मैं ये काम नहीं करती। मैं उन्हें डेली बेसिस पढ़ाती हूँ तो ये कौन सा टेंस में मैं बोलूंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। तो मैं पढ़ाती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। या रोज की बात और क्या होता है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ या मेरे मम्मी पापा देहरादून रहते हैं, या मैं बहुत तेज भागता हूँ। अब हो सकता है आप अभी नहीं भाग रहे हो, पर जब आप बोलते हैं मैं तेज भागता हूँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो पहली सिचुएशन क्लियर, रोज की बात या कोई भी आदत के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सेकेंड सिचुएशन होती है कोई भी ऐसी चीज जो यूनिवर्सल फैक्ट हो। अब देखिए यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है कोई भी ऐसी चीज जो तथ्य है, जो सच्चाई है, जो नहीं बदलती। जैसे धरती सूरज के चक्कर काटती है। अब ऐसा थोड़ी होता है किसी टाइम धरती का मन बदल गया और उसने कहा भाई मैं सूरज के चक्कर नहीं काटूंगा, मैं चांद के चक्कर काटूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ चीजें स्थित हैं, कुछ चीजें फिक्स्ड हैं प्रकृति में, जैसे मौसम बदलते हैं। अब ऐसा थोड़ी होता है कि किसी साल समर्स गर्मियां आई और वो गई नहीं, या सर्दियां आई और सर्दी ने कह दिया इस साल तो मैं पूरे साल रहूंगा। तो कोई भी तथ्य, सच्चाई की जीत होती है, ईमानदार लोगों की इज्जत की जाती है, कोई भी ऐसे तथ्य उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो दो सिचुएशन क्लियर, रोज की बात भले ही आप अभी नहीं कर रहे हो, मैं सुबह कभी कभी जल्दी उठता हूं, मैं कभी चाय नहीं पीता, ये सारी चीजें
जो होती हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोली जाती हैं, यूनिवर्सल फैक्ट। तीसरा, जब आप अभी कुछ करने को बोले, जैसे ऑर्डर करते हैं आप, जैसे यहां आओ अभी, या दरवाजा बंद कर दो, या बाहर देखो, उसकी बात मत सुनो, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आप सामने वाले को कुछ करने को कहते हैं, काइंड ऑफ ऑर्डर कि यार यहां बैठ जाओ, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। तीन सिचुएशंस क्लियर। चौथा सिचुएशन जिस काम ये आता है वो होता है बहुत बार जब हम किसी सिचुएशन को डिक्लेयर करते हैं। जैसे आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में बहुत बार जितने सेंटेंस होते हैं आपको लगेगा मैम ये तो हो गया, फिर भी प्रेजेंट टेंस में लिखा रहता है। जैसे स्कूल्स इस तारीख से खुलेंगे, अब वो हिंदी में खुलेंगे लगता है पर वो डिक्लेयर किया जा रहा है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है। तो ये क्लियर चारों सिचुएशन, मैं दोबारा जल्दी से बता रही हूँ। रोज की बात, कोई भी आदत किसी की, वो झूठ बोलता है, वो अच्छे से पढ़ाती है, वो सुबह जल्दी उठ जाता है, वो कभी मेरे से बात नहीं करता, वो बहुत सारे पैसे कमाता है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो होता है। इसलिए बहुत से लोग इसको ताता तीती करके समझते हैं, जो एक गलत आदत है। हिंदी में ताती करके ग्रामर ना समझे, सिचुएशन को समझे और इस हिसाब से दिमाग में बैठाएं कि ठीक है इस सिचुएशन के लिए ये टेंस है। यूनिवर्सल फैक्ट्स मैंने बता दिया, चीजें जो बदलती नहीं है, आपको पता है ऐसा होता है दुनिया में या ऐसा होता है प्रकृति में, वो सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद अभी कोई चीज करने के लिए ऑर्डर, और चौथा डिक्लेयर, कोई भी चीजें जब हम डिक्लेयर करेंगे, मैच शुरू होते हैं, आईपीएल शुरू हो गया है, अब इसको अगर आप सोचेंगे कि यार मैम ये तो परफेक्ट लग रहा है या पास्ट लग रहा है या फ्यूचर लग रहा है, इसको जब हम डिक्लेयर करते हैं उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते या बोलते हैं। तो ये थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की सिचुएशन। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब यानी हीरो के। अब बाकी टीचर्स इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के हीरो बताऊंगी। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो हीरो होते हैं, डू और डस। अब समझते हैं डू कब यूज होगा और डस कब यूज होगा। तो डू और डस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं। अब समझते हैं ये डू और डस क्यों है, दो हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डस बोलते हैं और प्लूरल के साथ डू। अब सिंगुलर होता है एक वचन यानी कि एक चीज, और डू होता है डू लगता है प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ। जल्दी से समझ लेते हैं सिंगुलर क्या क्या होता है। सिंगुलर होता है कोई एक लड़का ही, कोई लड़की शी, कोई चीज या वस्तु इट, कोई भी एक चीज जो सामने है जैसे कि दिस, कोई ज्यादा कोई भी एक चीज जो दूर है दैट, कोई एक नाम जैसे कि राम, कोई एक चीज जैसे कि बुक। अब देखिए ये सारी चीजें सिंगुलर हैं और इनके साथ लगेगा डस। अगर आपको डाउट रहता है तो ये याद रखिए डस में एस आता है, तो डस सिंगुलर के साथ ही शी इट दिस दैट राम बुक। अब राम जरूरी नहीं, कोई भी नाम हो सकता है, राम श्याम माइकल अली कोई भी नाम है ना, एग्जाम्पल राम दिया है। तो ये सारी चीजें सिंगुलर मानी जाती है और इनके साथ डस लगता है। अब प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में आ जाते हैं ही की जगह दे यानी कि वो लोग, हम लोग, आई, तुम या आप। अब देखिए इसका ध्यान रखिएगा, आई और यू भले ही एक जने होते हैं, मैं और तुम या आप, लेकिन इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल मानते हैं और इसीलिए हम डू लगाते हैं। अब दिस बन जाता है दीज यानी कि ये सभी, इसको दीज बोलिएगा, दिस नहीं दीज, और दैट बन जाता है दोस। और किसके साथ लगेगा डू, अब यहां आप सिर्फ राम बोल रहे हैं तो जैसे ही आप राम एंड रवि बोल दोगे ये प्लूरल माना जाएगा, यहां आपने बोला बुक तो यहां ज्यादा बुक्स हो जाएंगी, उसके साथ हम डू लगा देंगे। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, डू किसके साथ लगता है और डस किसके साथ। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डस, और इनके साथ क्या लगता है, डस सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ही डू नॉट नो या ही डोंट बोल देते हैं जो कि गलत इंग्लिश है। ये याद रहेगा ये सब सिंगुलर के साथ और ये सब प्लूरल के साथ। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। अब देखिए मैं सेंटेंसेस को चार पार्ट में आपको सिखाऊंगी। बेसिक ग्रामर के रूल्स अगर आपने देखे थे तो आपको पता होंगे, चार तरह के सेंटेंसेस को मैं इंटेरोगेटिव ये सब में नहीं डिवाइड करती, एक पॉजिटिव
जिसमें आप जवाब दोगे, एक नेगेटिव जिसमें आप मना करोगे, एक क्या वाला क्वेश्चन, क्या वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिसका जवाब हमको हाँ या ना में चाहिए होता है, और एक डब्ल्यू वर्ड कौन से होते हैं जिसमें हम डिटेल क्वेश्चन पूछते हैं, तुम कब उठते हो, आप क्या पढ़ाती है, आप कब पढ़ाती है, आप किन को पढ़ाती है, ये डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने बेसिक ग्रामर वीडियोस, जब आप बिल्कुल शुरुआत के वीडियोस देखेंगे उसमें आपको डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हम जवाब देते हैं मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, नेगेटिव मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, क्या वाले क्वेश्चन जिसमें आप मुझसे पूछेंगे आप क्या आप इंग्लिश पढ़ाती हैं, और डब्ल्यू वर्ड जिसमें आप मुझसे पूछेंगे आप इंग्लिश किन को पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कब पढ़ाती हैं, कहाँ पढ़ाती हैं। तो चलिए जल्दी से फ्रेमिंग भी सीख लेते हैं और मास्टर कर लेते हैं इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को। मैं आपको एक एक सेंटेंसेस सिखाऊंगी, साथ ही साथ हम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो मैंने सिचुएशन पहले समझा दी थी, रोज की बात, यूनिवर्सल फैक्ट्स, डिक्लेयर करने के लिए सेंटेंसेस, और कोई चीज जो आप अभी करने को बोलते हैं। अब देखिए सेंटेंस को मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या और डब्ल्यू वर्ड में डिवाइड किया है। इससे पहले आप इसको देख लें, डू और डस, ये अभी अभी हमने सीखा, डू प्लूरल के साथ और डस सिंगुलर के साथ। अब देखिए हम डू नॉट नहीं बोलेंगे, डू नॉट को हम सीधे जहां भी हमको डू नॉट बोलना होगा हम डोंट बोल देंगे, स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में भी, और डस नॉट को हम डजंट कर देंगे, सिंपल। तो देखिए सेंटेंस सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे आपको बोलना होता है कि ये चीज होती है। अब मान लीजिए आपको बोलना है मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, पॉजिटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक्स्ट्रा। यहाँ लोग मात खा जाते हैं, यहाँ लोगों को लगता है आई डू टीच इंग्लिश या आई डू गो देयर। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में जिसमें आप जवाब देते हो आप कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, आप डू लगाते हैं, पर वो हम आगे सीखेंगे जब आप चीजों को प्रेशराइज करते हो। अगर आपको जनरली बोलना है मैं सुबह उठता हूं तो आप सब्जेक्ट बोलेंगे और सीधे उसके बाद जो क्रियाएं मैंने आपको याद कराई थी एक एक वो बोल देंगे, और जो बचे खुचे वर्ड्स होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं वो हम लास्ट में चिपका देंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पंगों में मत पड़िए, सिंपल फंडा रखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन होता है जिसकी बात हो रही है, मैं तुम रवि राम धरती भगवान झूठ नेहा, कोई भी जिसकी बात हो रही है या जो करता है वो सब्जेक्ट है। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, और कोई डू डज नहीं लगाना है आपको जब तक कि आप क्रिया ही करना नहीं बोल रहे, आपको सीधे जो क्रिया की बात हो रही है वो बोल देना है। एग्जाम्पल मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच, एक्स्ट्रा वर्ड क्या था इंग्लिश, बस आई डू टीच इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब हो जाता है मैं पढ़ाती ही हूँ, वो बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलेंगे आई टीच इंग्लिश, मैं क्रिकेट खेलता हूँ आई प्ले क्रिकेट, हिंदी टू इंग्लिश मत सोचिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे आई क्रिकेट प्ले, वो गलत इंग्लिश है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक्स्ट्रा, सो आई प्ले क्रिकेट। और एग्जांपल लेते हैं रवि गाड़ी चलाता है। अब देखिए यहाँ एक ट्विस्ट है जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पर इस कंफ्यूजन को मैंने क्लियर कर दिया है, अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, ये याद रहेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो आप क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, ही शी इट, एक नाम एक जगह, दिस या दैट। तो अगर आपको बोलना है रवि गाड़ी चलाता है तो आप बोलेंगे रवि ड्राइव्स, बस वर्ब आपको याद कराई दी है मैंने, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म चाहिए रवि ड्राइव्स। लेकिन अगर प्लूरल होगा जैसे कि दे, वो लोग गाड़ी चलाते हैं तो दे ड्राइव, ये आपको दिमाग में रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्रिया में एस या ईएस लगता है। अब अगर मैं बोलूंगी मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश में आई प्लूरल है तो कोई एस नहीं लगेगा, आई टीच। लेकिन अगर मैं बोलूंगी राहुल पढ़ाता है तो राहुल टीच नहीं, राहुल टीचेस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दे वेक अप अर्ली, वो लोग जल्दी उठते हैं, पर अगर दे की जगह किसी का नाम या कोई एक चीज होती तो आप एस लगाते, जैसे अतुल वेक्स अप अर्ली, फिर वेकअप नहीं रहेगा, वेक्स अप हो जाएगा। वैसे ही जब इट होता है, इट भी एक सब्जेक्ट है, अब आपको बोलना है ये मदद करता है तो आप बोलेंगे इट हेल्प्स। अब इसमें लोग क्या कर देते हैं, एस इट्स में लगा देते हैं और यहाँ एस लगाना भूल जाते हैं, तो ये गलत इंग्लिश होती है। आप सब्जेक्ट को इट बोलेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें एस लगाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, इट हेल्प्स, इट मेल्ट्स, ये पिघल जाता है, ये कलर बदलता है कोई चीज है, अब चीज के लिए हम ही शी तो बोलेंगे नहीं, तो इट चेंजेस कलर,
क्लियर? तो ये फंडा आप क्लियर रखेंगे प्लूरल के साथ, दे, वी, यू, दोस, दीस, इनके साथ आप एस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप क्रिया में पॉजिटिव सेंटेंस में एस लगाएंगे। तो एक दो एग्जांपल और दे देती हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो लोग मुझसे रोज बात करते हैं, तो वो लोग के लिए सब्जेक्ट दे, क्रिया हो गई बात करने के लिए टॉक, दे टॉक टू मी डेली, ठीक है। लेकिन अगर दे की जगह एक कोई लड़की होती है, मेरी बहन है या मेरी कोई दोस्त है, वो मुझसे रोज बात करती है, तो शी टॉक्स टू मी डेली। अब देखिए मैं टॉक नहीं बोल रही, टॉक्स बोल रही हूं। ये पौधा खुद उग जाता है, तो पौधे के लिए सब्जेक्ट या तो दिस प्लांट बोलूंगी या इट, इट ग्रोज इटसेल्फ। क्लियर? सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा। और हमको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्रिया में एस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो नो एस। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई एस ईएस लगाने का पंगा भी नहीं रहेगा। आपको पॉजिटिव सेंटेंस में ही सिर्फ एस या ईएस का ध्यान रखना है। अगर आपको बोलना है मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, तो आप बोलेंगे आई डोंट ट्रस्ट यू। लेकिन अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो तुम पे भरोसा नहीं करता, तो आई की जगह ही आ जाएगा। और अब आपको पता है ही के साथ डोंट नहीं डजंट लगता है। ही डजंट क्रिया ट्रस्ट यू, यू एक्स्ट्रा है, वो करता नहीं है, तो आप उसको एक्स्ट्रा में यहां यूज कर लेंगे। सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा भी मैंने अलग से डिटेल में ग्रामर वाली वीडियो में करा रखा है, बेसिक ग्रामर रूल्स के दो वीडियोस हैं, आप उसको देखेंगे तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने डू नॉट, डज नॉट नहीं बोल रही हूं मैं, प्लूरल है तो डू नॉट को मैं डोंट कर दे रही हूं, और सिंगुलर है तो मैं डज नॉट को डजंट कर ले रही हूं। ये हिलता ही नहीं है, कोई चीज है आप बोल रहे हैं ये नहीं हिलता, इट डजंट मूव, रोज की बात है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं तुम पे मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाती, आई डोंट टीच यू इंग्लिश। याद रखिएगा एस ई एस वाला पंगा सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव बिल्कुल सिंपल, सब्जेक्ट डोंट डजंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बचे कुचे वर्ड्स यानी कि एक्स्ट्रा लास्ट में। आगे बढ़ते हैं क्या वाला क्वेश्चन। क्या वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी कि हीरो को पहले बोल देना है। तो डू या डस से आप सेंटेंस शुरू करेंगे। अब अगर आपको लग रहा है मैम पता कैसे चलेगा डू बोलें कि डस, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यानी कि बहुवचन है, ज्यादा लोग हैं, और अगर सिंगुलर है यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट, तो डस। अब अगर आपको बोलना है क्या राहुल ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है, डस राहुल ड्राइव, सिंपल। अगर आपको बोलना है क्या राहुल और रवि ड्राइव करते हैं, तो आप बोलेंगे डू राहुल एंड रवि। अब डू क्यों हो गया, क्योंकि राहुल और रवि दो थे, डू राहुल एंड रवि ड्राइव, सिंपल। अब मान लीजिए आपके क्या वाले क्वेश्चन में ही नेगेटिव है, हम रियल लाइफ में ऐसे भी तो पूछ लेते हैं, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ाती, तो नहीं आते ही डू क्या बन जाएगा, डोंट, और डस क्या बन जाएगा, डजंट। नॉट के पंगों में ना पड़े, वो बोलना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डू यू नॉट टीच इंग्लिश बोलने की जगह हम पहले ही डू को क्या बना देंगे, डोंट। डोंट यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ाती, और डस को हम पहले ही क्या कर देंगे, डजंट। तो डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाती हैं, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ाती हैं, डोंट यू टीच इंग्लिश, सिंपल। क्या रवि क्रिकेट देखता है, डज रवि, अब देखने के लिए वर्ब वॉच। प्लीज क्रियाएं वाली वीडियोस क्लियर कर लीजिए, तभी क्रियाओं में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को याद करा दिए थे, तो उनको दिमाग में रखिएगा। तो डज रवि वॉच क्रिकेट, क्या रवि क्रिकेट नहीं देखता, डजंट रवि वॉच क्रिकेट, डजंट रवि वॉच क्रिकेट, क्लियर। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, क्या तुम फ्रूट्स खाते हो, डू यू ईट फ्रूट्स, क्या तुम फ्रूट्स नहीं खाते, डोंट यू ईट फ्रूट्स। क्या नेहा फ्रूट्स खाती है, डज नेहा ईट फ्रूट्स, क्या नेहा फ्रूट्स नहीं खाती, डजंट नेहा ईट फ्रूट्स, सिंपल। तो आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है डू या डस से सेंटेंस शुरू करूं, और कैसे पता लग जाएगा, प्लूरल है ज्यादा लोग हैं तो डू, और एक वचन एक कोई एक इंसान है तो डस। अब आते हैं डब्ल्यू वर्ड, लास्ट तरह का सेंटेंस जो बनता है वो होता है डब्ल्यू वर्ड। अब डब्ल्यू वर्ड सवाल ही होते हैं, लेकिन सवाल हाँ या ना वाले नहीं होते हैं। देखिए क्या वाले क्वेश्चंस वो सवाल हैं जिसका जवाब हमको हाँ या ना में चाहिए।
यहाँ हम डिटेल मांगते हैं। अब डब्ल्यू वर्ड मैंने याद करा दिए हैं, वो भी मैंने पुराने वीडियोस में आपको व्हाई, हु, हाउ लॉन्ग, सिंस, व्हेन, ये सब मैंने याद करा दिए हैं बेसिक ग्रामर रूल्स में। इसलिए मैं उस समय बोल रही थी इन रूल्स को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे जब मैं टेंसेस सिखाऊंगी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए यहाँ लोग क्या गलती करते हैं, लोग डब्ल्यू वर्ड से क्वेश्चन शुरू करते हैं और उसके ठीक बाद या तो हेल्पिंग वर्ब बोलते ही नहीं है, जैसे कि व्हाई यू गो, अब ये कोई इंग्लिश नहीं है, और अगर बोलते भी हैं तो व्हाई यू डोंट। अब डब्ल्यू वर्ड के बाद आपको सब्जेक्ट यानी कि कर्ता नहीं बोलना है, आप डब्ल्यू वर्ड बोलेंगे और फिर पूरा क्या का फॉर्मूला बोलेंगे, जैसे आप इंग्लिश कब पढ़ाती हैं। अब डब्ल्यू वर्ड कब के लिए क्या होता है, व्हेन, बस आप व्हेन बोलेंगे, व्हेन यू नहीं कर देना है, ये गलत इंग्लिश है। व्हेन डू यू टीच इंग्लिश, यहाँ सेम रूल अप्लाई हो रहा है, प्लूरल है तो मैं डू बोलूंगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है तो मैं डस बोलूंगी। तो आपको पहले ही सोच लेना है कौन है कर्ता, आप किससे पूछ रहे हैं। यू इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल माना जाता है, पूरी इंग्लिश में ही यू को हम प्लूरल का दर्जा देते हैं, तो इसलिए हम यू के साथ डू बोलते हैं। तो आप कब उठती हैं, व्हेन डू यू वेक अप, आप क्या खाती हैं, व्हाट डू यू ईट, आप कब सोती हैं, व्हेन डू यू स्लीप, आप कहाँ रहती हैं, व्हेयर डू यू लिव, व्हेयर यू लिव वाली इंग्लिश ना बोले, व्हेयर डू यू लिव। अब सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, कोई किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे जितेंद्र। तो अगर मान लीजिए मुझे पूछना है कि जितेंद्र क्या करता है, तो मैं कैसे पूछूंगी, व्हाट डज जितेंद्र डू, यहां मेरा सब्जेक्ट कौन है, जितेंद्र, है ना। जितेंद्र गुस्सा क्यों हो जाता है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको, अब क्यों, why does जितेंद्र, अब होने के लिए मैंने अलग से एक पूरा वीडियो बना रखा है। बहुत से लोग इस सेंटेंस को बोलेंगे why does जितेंद्र angry, अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि angry कोई क्रिया नहीं है, why does जितेंद्र get angry, clear। आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम कब उठते हो, कब के लिए डब्ल्यू वर्ड, when, when do you wake up, तुम कब ब्रेकफास्ट खाते हो, when do you eat breakfast, नेहा कब वापस आती है, when does नेहा come back, है ना, when नेहा come back या when नेहा does come back वाली इंग्लिश नहीं बोलनी। अगर आप इन चारों फॉर्मूले को याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। जल्दी से दोबारा बताती हूँ, सेंटेंस या तो पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या या डब्ल्यू वर्ड होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में आप जवाब देंगे, सब्जेक्ट सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बचे कुछ वर्ड लास्ट में। सब्जेक्ट क्या है, जो करता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया में डांस बोलने की जगह डांसेस, टीच बोलने की जगह टीचर्स, ईट बोलने की जगह ईट्स, प्ले बोलने की जगह प्लेस, ठीक है। और प्लूरल के साथ हम कोई एस या ईएस नहीं लगाएंगे। नेगेटिव, मना करना है, सब्जेक्ट डोंट या डजंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा, डोंट प्लूरल के साथ, डजंट सिंगुलर के साथ, यहां मैंने इस चीज को दोबारा लिख दिया है। क्या वाले क्वेश्चन जिसका जवाब हमको हाँ या ना में चाहिए, सब्जेक्ट के हीरो यानी कि डू या डज से स्टार्ट होंगे और डू या डज के बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा, लास्ट डब्ल्यू वर्ड जिसमें आप डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, डब्ल्यू वर्ड, डब्ल्यू वर्ड के बाद आप सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक्स्ट्रा। तो बस सिंपल प्रेजेंट टेंस यही होता है। अगर आपको ये चार फॉर्मूले याद हो गए और आप जम के इनको प्रैक्टिस कर लें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत आसान लगेगा। तो अगर आपको बोलना है ये मेरी मदद करता है, आप बोलेंगे इट हेल्प्स मी, ये मेरी मदद नहीं करता, इट डजंट हेल्प मी, क्या ये तुम्हारी मदद करता है, डज इट हेल्प यू, ये तुम्हारी मदद कैसे करता है, हाउ डज इट हेल्प यू। तो इन चारों फॉर्मूले को वीडियो में देख के कहीं नोट कर लें और जैसे जैसे इस वीडियो को देखें चीजें दिमाग में बैठाते रहें। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई होप अब सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके लिए बहुत इजी होगा। मैंने आपको शुरू में सिचुएशंस भी समझा दी, ताता तीती करके आप नहीं बोलेंगे और इस टेंस को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। ही डोंट, शी डोंट नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत से लोग, अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भी ये गलती करते हैं। सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट, एक नाम एक जगह के साथ हम डस या डजंट बोलेंगे, डोंट नहीं। आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा। किसी बुक, किसी और वीडियो, किसी टीचर की आपको हेल्प नहीं चाहिए होगी और आज के बाद आप इस टेंस को बिल्कुल मास्टर कर देंगे। ऐसे ही करके हम मैं सारे टेंसेस कवर करूंगी, बीच बीच में एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस भी करवाऊंगी हर टेंस की।
वीडियोस देखिए, पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो अगर आपको डब्ल्यू वर्ड पता लगाना है या सेंटेंसेस कितने टाइप के हैं, इनके लिए भी मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं। ये था आज का वीडियो। अगर आप नए थे चैनल में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पुराने वीडियोस देखें ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर लग जाएं। वर्ब्स याद करते रहिएगा वीडियोस को देख देख के, क्योंकि आगे आने वाले टेंसेस में आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म की भी जरूरत पड़ेगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, ये आपको मदद देगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।